अगर दोस्तों प्रत्येक भाई अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं हजारों में जाएंगे हमारे इस वीडियो के लाइक्स। इस तरीके की ब्रीडिंग मेरे सेटअप पर होती है। दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, मुझे इंतजार है 2000 लाइक्स का। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इससे आपको ये फायदा होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आएंगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो दोस्तों हम हमेशा की तरह फिर से लेके आए हैं आप सभी के बीच अपने बचीस पैरेट की कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो, जो कि आप हमेशा पसंद करते हैं। आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस पसंद आती है और मुझे उम्मीद है कि इस बार की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों काफी पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने साथ साथ बच्चे निकाले हैं। उसके बाद मैंने कुछ बच्चों को शिफ्ट किया था, छोटे बच्चों को एक तरफ, बड़े बच्चों को एक तरफ। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं अपने बजीस फ्लैट की कॉलोनी में 20 ब्रीडिंग बॉक्स लगे हैं और 20 ही मटकियां लगी हुई है। और इससे पहले का फर्स्ट क्लच का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, सेकंड क्लच का वीडियो भी दिखाया जिसमें काफी फीमेलों ने एग ले कर दिए थे और कुछ फीमेलों के सेकंड क्लच के बच्चे निकल गए थे। इसके अलावा अभी दोस्तों कॉलोनी में सभी फीमेलों के बच्चे निकल चुके हैं सेकंड क्लच के। तो मैं लास्ट में आपको काउंटिंग करके ये भी बताऊंगा इस बार जो है बजीस पैरेट के कितने बच्चे निकलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार अपने बजीस पैरेट की कॉलोनी में 100 से ज्यादा बच्चे निकले थे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक नंबर ब्रीडिंग बॉक्स से। एक नंबर बॉक्स के अंदर दोस्तों आप देखें एक फीमेल बैठी है जो कि एक लेकर चुकी है और मेरे हिसाब से इसके नीचे 4 एग होंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 अंडे इसमें अभी तक दिए हैं। अब आप देखें दो नंबर के अंदर, इस ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर दोस्तों आप देखिए 6 बच्चे हैं। और आप देखेंगे कि सभी बच्चों की जो एज है वो लगभग सेम है, बराबर एज के जो है वो सभी बच्चे हैं। जो कि दोस्तों मैं हमेशा की तरह कॉलोनी में बच्चे जिस तरीके से शिफ्ट करता हूँ उसी तरीके से मैंने इस बार भी बच्चों को शिफ्ट किया है। और दोस्तों आप 3 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखें, एक आखिरी बच्चा बचा है, इसके साथ के सभी बच्चे बाहर आ गए और ये बच्चा भी बाहर निकल गया। ये आप देखें, ये दोस्तों आप देखें ये बच्चा अच्छी तरीके से फ्लाइंग भी कर पा रहा है। और ये है 4 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स और इसके अंदर शायद 4 बच्चे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर 4 ही बच्चे हैं। और ये है 5 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर 5 बच्चे हैं। और आप सभी का कलर देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। इस बार दोस्तों अपनी कॉलोनी में वाइट, क्रीम और येलो 3 कलर के बच्चे ज़्यादा हैं। और दोस्तों अब आप देखें 6 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर, इसके अंदर दोस्तों 6 बच्चे हैं और सभी की जो एज है वो लगभग सेम है। देखें 7 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर, इसके अंदर दोस्तों ये फीमेल जो है एक ले कर चुकी है, ये आप देखें। और ये है 8 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स जिसके अंदर कुछ नहीं है। और अब दोस्तों आप देखें 9 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों 5 बच्चे हैं। और एक इसमें वाइट रेड आइज भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एल्बिनो, जिसकी आंखें लाल है और प्योर वाइट है ये बच्चा। और अब आप देखें 10 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर ये फीमेल है, फीमेल बाहर निकल गई। और आप बच्चे देखें इसके अंदर दोस्तों 4 बच्चे हैं। इसमें दोस्तों आप देखें एक जैसे कलर में 2 बच्चे हैं। और 11 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के जो बच्चे हैं वो सारे तैयार हो चुके हैं। ये भी बच्चे दोस्तों बाहर आने लायक है। और ये आप देखें 2 बच्चे इसमें बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा व्हाइट पाइड और एक बच्चा जो है वो ये आप देखें येलो कलर में है। दोस्तों इस बच्चे को मैंने बाहर निकाल दिया है और ये बच्चा उड़ने लगा। तो दोस्तों दोनों बच्चों को मैंने बाहर निकाल दिया और इस ब्रीडिंग बॉक्स की भी सफाई कर देंगे। इसमें वुड शेविंग बुरादा डालेंगे ताकि फीमेल दोबारा एग ले करें। और वहीं अगर ये गंदगी पड़ी रहेगी और फीमेल एग ले कर देगी, ऐसे में फीमेल में आई इन्फेक्शन और काफ़ी बार जो है जू वगैरह भी पड़ जाती है।
और अब दोस्तों देखिए 12 नंबर के अंदर, तो इसके अंदर ये फीमेल बैठी है और इसने 3 एग ले किए हैं। और अब देखिए इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर भी दोस्तों फीमेल बैठी है और इसके अंदर 4 बच्चे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फीमेल बच्चों की थोड़ी बहुत प्लकिंग कर रही है। और 16 नंबर के अंदर आप देखें दोस्तों, 16 नंबर के अंदर 2 बच्चे हैं, ये आप देखें। और अब आप देखें 17 नंबर के अंदर, 17 नंबर के अंदर दोस्तों 4 बच्चे हैं। अब आप इसमें देखें, इसके दोस्तों शायद बच्चे बाहर आ गए होंगे। और अब दोस्तों आप देखें 19 नंबर के अंदर, तो 19 नंबर के अंदर दोस्तों 6 बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 6 बच्चे हैं और 3 बच्चे प्योर ग्रीन हैं वाइल्ड कलर में, और बाकी के 3 बच्चे अलग अलग कलर के हैं, ये आप देखें। और ये आप देखें 20 नंबर के अंदर, इसके अंदर दोस्तों फीमेल बैठी है और 5 बच्चे हैं। दोस्तों 5 बच्चे नहीं, इसके अंदर 6 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा भी है जो कि इन सभी के बीच में बैठा था, ये आप देखें। तो दोस्तों सभी ब्रीडिंग बॉक्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के बाद अब देखेंगे मटकियों की ब्रीडिंग, यहाँ से शुरू करेंगे और 20 जो मटकियाँ लगी हुई है उनकी ब्रीडिंग देखते हैं। इस मटकी के अंदर दोस्तों 4 बच्चे हैं और आप बच्चों का कलर देखें, और इसके नीचे की मटकी के अंदर 2 बच्चे हैं, और इसके पास की मटकी में दोस्तों आप देखें ये फीमेल अंडों पे बैठी है, और इसके पास की मटकी में दोस्तों आप देखें इसके अंदर ये एल्बिनो रेड आइज की फीमेल है। दोस्तों इसने 3 बच्चे निकाले हैं। इस मटकी के अंदर आप देखें, और दोस्तों यह वही बच्चा है जिसकी फाइट हुई थी, जिस बच्चे को जो है जख्मी किया गया था, और इसे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि इस बच्चे को कितने बुरी तरीके से जख्मी कर रखा था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। दोस्तों इस बच्चे को इसके पेरेंट्स ने, मतलब फीमेल ने इसकी जख्मी किया था, और क्यों किया था वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के मैंने इस बच्चे को किस तरीके से बचाया। अब आप देखें ये बच्चा बिल्कुल फिट है, इसके जो सर के ऊपर के जो पर है वो दोस्तों कुछ टाइम में आ जाएंगे। और इसके बाद इस मटकी के अंदर देखें दोस्तों, इस मटकी के अंदर शायद 3 बच्चे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मटकी के अंदर 3 ही बच्चे हैं, और इस मटकी में कुछ नहीं है, और ऊपर की मटकी में दोस्तों आप देखें इसके अंदर भी दोस्तों कुछ बच्चे हैं। दोस्तों इस मटकी के अंदर 5 से 6 बच्चे होने चाहिए, आप देखें सही तरीके से। उसके बाद देखें इस मटकी के अंदर, इसके अंदर दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 बच्चे हैं। फिर दोस्तों आप दोस्तों इसके अंदर इस फीमेल ने एक ले कर रखे हैं, और इस मटकी में कुछ नहीं है। दोस्तों इस मटकी के जो बच्चे थे वो बाहर आ चुके हैं, और ये फीमेल अब दोबारा एक ले करेगी। और इस मटकी में आप देखें एक आखिरी बच्चा बचा है, इसके साथ के सभी बच्चे बाहर आ गए, और फीमेल अब दोबारा एक ले भी कर देगी। अब देखते हैं इस मटकी के अंदर दोस्तों, इस फीमेल का जो कलर है वो काफ़ी खूबसूरत है। इसके नीचे की मटकी में आप देखें इसके अंदर अंडे हैं, और इस तरफ की मटकी के अंदर बच्चे हैं। दोस्तों इस मटकी के अंदर 4 बच्चे हैं, और चारों ही लगभग तैयार हो चुके हैं। और इस मटकी के अंदर दोस्तों 3 बच्चे हैं, और इस कॉर्नर की मटकी के अंदर फीमेल बैठी है, 3 अंडे लेकर चुकी है।
तो दोस्तों आपको बद्रीश प्लेट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी? दोस्तों आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो में कम से कम 2000 लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों प्रत्येक भाई अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे उम्मीद है 2000 क्या हजारों में जाएंगे हमारे इस वीडियो के लाइक्स। दोस्तों अगर आज के इस वीडियो में 2000 से ज्यादा लाइक होते हैं तो मैं आपको एक ब्रीडिंग फॉर्मूला बताऊंगा। तो दोस्तों जैसी ब्रीडिंग मेरे यहाँ पे हो रही है उसी तरीके की ब्रीडिंग आपके यहाँ पे होगी।